हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल से पीसी या लैपटॉप से BGMI गेम लाइव स्ट्रीम कैसे करें अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल बताऊंगा कैसे अपने मोबाइल से गेम प्ले करके अपने पीसी हो या लैपटॉप हो, लैपटॉप से अपने काफ़ी आराम से अपने यूट्यूब चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम को भेज सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको चार स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। चार स्टेप फॉलो करके काफ़ी आराम से अपने लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है अपने पीसी या लैपटॉप में स्क्रीन को मैरिंग करना पड़ेगा। स्क्रीन को मैरिंग करने के बाद आपके जो डिवाइस से जो भी साउंड आ रहा है, साउंड आपको अक्स केबल के द्वारा, इस तरह का जो अक्स केबल के द्वारा काफ़ी आराम से अपने पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना होगा। और ट्रांसफ़र जैसे ही कर लेते हो, अपनी स्क्रीन मैरिंग कर लेते हो, साउंड को ट्रांसफरिंग कर लेते हो, उसके बाद अपने जो OBS स्टूडियो से पीसी और लैपटॉप में OBS स्टूडियो को सबसे पहले डाउनलोड करके यहाँ पर सभी चीज़ जो स्क्रीन वहाँ पर जा रहा है उसको सेटअप करके अपने जो साउंड है मोबाइल का जो साउंड है, गेम प्ले का जो साउंड है, वो अपने OBS स्टूडियो में सेटअप करके कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। ये है टोटली आपको दो स्टेप हो गया और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद सिर्फ आपको जो स्ट्रीम के इलाके अपने OBS स्टूडियो पे दे देना है और उसके बाद यहाँ से काफ़ी आराम से यहाँ से आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। अपने मोबाइल से BGMI गेम को प्ले करेंगे और टोटली अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम होगा, अपने पीसी हो या लैपटॉप हो। दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने पीसी या लैपटॉप से डायरेक्टली हम गेम को खेलते खेलते हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाते हैं। हो सके कि पीसी या लैपटॉप बहुत ही कमजोरी है या तो थोड़ा वो रिकमेंड अगर नहीं है तो उसके वजह से भी हम लोग कभी बार ऐसा भी करते हैं कि मोबाइल से हम लोग गेम प्ले करते हैं और टोटल अपने पीसी हो या लैपटॉप हो उससे काफ़ी आराम से अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल बताऊंगा कैसे अपने मोबाइल से गेम प्ले करके अपने पीसी और लैपटॉप से कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुड यूट्यूब चैनल। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस आपका अक्स केबल आपको लेना पड़ेगा साउंड को ट्रांसफरिंग करने के लिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, साउंड को ट्रांसफरिंग करना सिंपल है दोस्तों। आपको सिर्फ यहाँ पर जो हेडफोन का जो जैक है मोबाइल का, यहाँ पर आपको एक अक्स केबल इस तरह को आपको लगा देना है। अभी जो साउंड है यहाँ पर आ रहा है, अभी ये जो साउंड है टोटल अपने पीसी का जो माइक वाला जैक है वहाँ पर लगा देना है और टोटली आपके जो मोबाइल के जो साउंड है अपने पीसी में ट्रांसफरिंग हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए आपको साउंड कार्ड का जरूरत है, इस टाइप का साउंड कार्ड लैपटॉप का जो USB जैक है वहाँ पर लगा देना है और साउंड कार्ड का जो माइक वाला जैक है यहाँ पर आपको अक्स केबल को लगा देना है। आप देखेंगे काफ़ी आराम से लैपटॉप के अंदर भी माइक का जो साउंड है, मोबाइल का जो गेम प्ले का साउंड है, वो भी आसानी से चला जाता है। मेरे पास अभी मैं पीसी से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को साउंड कार्ड का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैं वहाँ पर लगा दूंगा। इससे पहले दोस्तों आपको और एक चीज़ बात है, अगर आपको टीममेट से बातचीत करना है, टीममेट से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आपको एक कॉपी ईयर लगाना पड़ेगा। कॉपी ईयर क्या करेगा, यही एक ही साउंड को दोनों डबल कर देगा। तो ऐसे में एक के हम हेडफोन लगाएंगे और एक में ये अक्स के भी लगाएंगे तो ऐसे में हम खुद भी सुन सकते हैं और पीसी में भी हम साउंड को भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का होता है कॉपी ईयर। तो कॉपी ईयर बहुत टाइप का होता है, एक्चुअली इसको बोलते हैं स्क्लिट बोलते हैं। तो कॉपियर इस और जो वायर का भी कॉपियर होता है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको ही मैं यूज़ करूँगा। तो और एक मेरे कॉपियर था लेकिन ये टोटली जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टोटली यहाँ पर डायरेक्टली जैक है लेकिन ये वायर था। मेरे पास और एक था लेकिन उसको मैं अभी नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं इसको ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वायर से सुविधा ये होता है कि आप ऐसे ही हाथों से पकड़ सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इस तरह का जो जैक है ना आप ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल एक डंडी जैसा लग गया तो आपको ऐसे में खेलने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टोटल एक वायर टाइप का आता है कॉपी यार, वो वायर टाइप का ही लीजिए, इसमें आपको सुविधा होगा गेम खेलने में। उसको वायर क्या है ना, आपको ऐसे ऐसे मुड़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है ना, एक में हम यहाँ पर लगा देंगे एक में और यहाँ पर एक हेडफोन लगा देंगे टोटली। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी आराम से अपने टीम में से भी आप बातचीत कर सकते हो, गेम का साउंड भी आप खुद भी सुन सकते हो और अपने जो भी गेम प्ले का साउंड है अपने पीसी या लैपटॉप में भी भेज सकते हो। तो अभी आखिर बात आ है साउंड का सिस्टम, साउंड को ट्रांसफ़र कैसे करते, ये तो हमने इस वीडियो में कवर हो गया। अभी देखेंगे जो मोबाइल का जो स्क्रीन है अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे स्क्रीन को मैरिंग करते हैं, कैसे स्क्रीन मोबाइल का जो स्क्रीन अपने पीसी में कैसे शेयर करते हैं।
तो दोस्तों अभी मोबाइल के स्क्रीन मिररिंग करने के लिए सबसे पहले मोबाइल से हम एक प्ले स्टोर पर जाएंगे, एक एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे। इसी एप्लीकेशन का नाम है लेस्ट व्यू ऐप। तो सिंपली हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और पीसी से भी हम वही करेंगे। किसी भी ब्राउजर पर जाएंगे, जैसे हम क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पर भी हमने सर्च किया लेस्ट व्यू स्क्रीन मिररिंग, तो आपको कुछ इस तरह का साइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लेस्ट व्यू जो स्क्रीन मिररिंग ऐप है, इसको सिंपल आपको ओपन में क्लिक करना है। ओपन जैसे आपने क्लिक कर, इस तरह का साइट आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड्रॉयड का आपको डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, एंड्रॉयड का डाउनलोड नहीं करना है। थोड़ा आपको बैक कर देना है, आपको नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर लेस्ट व्यू वायरलेस स्क्रीन मिररिंग ऐप। देखिए ऐप को मैं यहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले। हाँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस, टीवी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके पास जो है, अगर मैक है, एंड्रॉयड, आईओएस है, एप्पल है, जो भी है, तो मेरे पास विंडोज है, कंप्यूटर है, तो मैं विंडोज, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर विंडोज का यूज़ करते हो, आप विंडोज़ में टच कीजिए, विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो मैंने आपको दोनों तरीका दिखा दिया, आपको कोई किसी भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और जैसे यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। इसको सिंपली आपको पीसी से ओपन करना है, यस में क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और बस ये इंस्टॉलिंग हो जाएगा। अभी इसी पेज को हम यहाँ से कट कर देते हैं और बस इसको ओपन होने देता हूँ पीसी से। और अपने मोबाइल से सिंपली वही जो ऐप हमने अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हो, इसको भी हम यहाँ से ओपन में क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए, मोबाइल से स्क्रीन अपने पीसी में स्क्रीन मिररिंग करने का बहुत सारा तरीका है। मैंने ऑलरेडी तीनों तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो में मैंने तो एक तरीका आपको बता दिया और दो तरीका का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन पर दे दूंगा कि उसी वीडियो को देखे काफ़ी आराम से। और भी दो तरीका, अगर आपको इस जो तरीका है स्क्रीन मिररिंग करने का, तो अगर आपको पसंद नहीं है, तो आपको और भी दो तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में आप काफ़ी आराम से देख के आप उस भी तरीका से अपने स्क्रीन को मिररिंग कर सकते हो। तो मैं अभी पीसी से जो सॉफ्टवेयर अभी हमने डाउनलोड किया हूँ लेस्ट व्यू, इसको हम ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मोबाइल पे भी जो सॉफ्टवेयर है, जो एंड्रॉयड जो ऐप है, उसको भी हमने ओपन में क्लिक कर दिया हूँ। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, ये जो क्यूआर कोड है आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर मोबाइल से भी आप स्कैन कर लेना होगा। स्कैन करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, स्कैन वाला ऑप्शन में आपको टच करना है, कुछ परमिशन मांगता है, तो यहाँ पर स्कैन हो जाता है और यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करते ही यहाँ पर स्क्रीन को मिररिंग हो जाता है। आप देख सकते हो, अभी मैं ऐसे बैक कर देता हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी करूँगा, गेम खेलूँगा, जो भी करूँगा, टोटल अपने पीसी में ये मिररिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पीजीएमआई गेम यहाँ पर ओपन हो रहा है। अभी टोटली हम ओबीएस स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो पीसी से ओबीएस स्टूडियो को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे स्क्रीन मिररिंग हो जाता है, साउंड ट्रांसफरिंग हो जाता है, तो उसके बाद आपको पीसी या लैपटॉप में ओबीएस स्टूडियो को ओपन कर लेना होगा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओबीएस में कैसे आपको सेटअप करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन मिररिंग हमने किया हो, उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ओबीएस स्टूडियो को डाउनलोड करना होगा। ओबीएस स्टूडियो को सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर पर आपको आ जाना है, यहाँ पर गूगल पर आपको सर्च करना होगा ओबीएस स्टूडियो बोल के, तो आपके सामने कुछ ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर इस तरह का साइट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ओबीएस स्टूडियो नहीं है, तो गूगल से आप सबसे पहले यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर इसी साइट में जैसे आप आते हो, तो आपके पास अगर विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, जो भी है, तो मेरे पास विंडोज है। विंडोज में क्लिक करते ही यहाँ पर जो कि इस कॉर्नर पर जो कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना होगा और ओपन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी ओबीएस सॉफ्टवेयर मेरे को इंस्टॉलिंग है, तो मैं सबसे पहले इसको ओपन में क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों जैसे अपने ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम ओबीएस स्टूडियो को, आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो नीचे आपको इस साइड में आपको सोर्सेज बोल का ऑप्शन मिलेगा, सोर्सेज ऑप्शन में आपको प्लस वाला आइकन में टच करना है और यहाँ पर एक एक करके सभी चीज आपको ऐड करना है। उसके पहले दोस्तों इसको हम फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ और ये जो अभी हमने जो स्क्रीन मिररिंग किया था, तो इसको हमने मिनिमाइज किया था, तो उसको सबसे पहले इसको मैं स्क्रीन पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये हमारा स्क्रीन पे रहेगा। अभी क्या है ना, अभी मेरे को ओबीएस स्टूडियो को ओपन करना होगा और अभी जैसे मैं ओबीएस स्टूडियो को ओपन करेंगे, यहाँ पर सोर्सेस में एक एक करके सभी चीज़ को हम ऐड करेंगे। जो भी साउंड ट्रांसफरिंग हो रहा है पीसी में, उसको हम ऐड करेंगे ओबीएस स्टूडियो में। इसके बाद जो भी स्क्रीन को आ रहा है, वही स्क्रीन हम ओबीएस स्टूडियो में ऐड करेंगे। तो इस तरह से सभी चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर जो सोर्सेस ऑप्शन है, सोर्सेस ऑप्शन में आपको प्लस वाला आइकन मिल जाएगा। प्लस वाला आइकन में क्लिक करते आपको विंडोज कैप्चर एक ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आपको विंडोज ऑप्शन कैप्चर ऑप्शन में टच करना है, ओके में क्लिक करना है।
जैसे अपनी ओके में क्लिक करते हो तो आपके पास जो भी विंडोज से स्क्रीन आ रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो सिंपली आपको ओके में क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस आपका साइड आपको यहाँ पर देखना है, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आप इस साइड में टोटली देख सकते हो यही है ब्लैक स्क्रीन अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम, जैसे मैं स्टार्ट करूँगा यही ब्लैक स्क्रीन अपने यूट्यूब चैनल पर जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो ब्लैक स्क्रीन है टोटली हम यहाँ पर सेव करेंगे, हमारे जो मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर आया है इसको हम टोटली इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देंगे और सेव कर लेंगे, तो ताकि जो भी है टोटली जाए, ठीक है। तो इसको हम टोटल हमने सेव कर लिया, तो अभी देख सकते हो टोटल कुछ इस सब का यहाँ पर सेटअप हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप चाहे तो ये जो स्क्रीन है टोटली फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। फुल स्क्रीन करेंगे कैसे, इसको फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी स्क्रीन है इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो इसको आपको सबसे पहले आपको टच कर देना है। तो देख सकते हो ये टोटली फुल स्क्रीन हो चुका है। तो अभी मैं OBS स्टूडियो में जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी टोटली फुल स्क्रीन हो चुका है। तो अभी इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर फुल स्क्रीन कर दिया था, तो यहाँ पर इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में एक भी ब्लैक और नीचे भी थोड़ा ब्लैक भी दिख रहा है, तो आप चाहे तो नीचे या ऊपर में किसी भी एक जगह पर बैनर भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन बैनर को बाद में हम देखेंगे, तो लेकिन फिलहाल स्क्रीन ऐसा आया है तो ऐसे रहने दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है गाइस। अभी जो कि लाइव स्ट्रीम पे ये तो स्क्रीन तो जाएगा, इसके साथ साउंड भी ऐड करना पड़ेगा। तो साउंड को ऐड करने के लिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर सोर्सेस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑडियो इनपुट, जो हमने ऑडियो इनपुट किया इसमें, तो ऑडियो इनपुट ऑप्शन में टच करेंगे और यहाँ पर ओके में सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा, डिफॉल्ट में जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन इन बोल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो लाइन इन वाला ऑप्शन में हम टच करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा जो मोबाइल का जो ऑडियो है सिंपली हमारा लाइव स्ट्रीम पे भी जाएगा, तो OBS में हमने यहाँ पर ऐड किया हूँ। अभी इसके साथ और एक चीज़ हम ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके PC में एक माइक लगा हुआ है तो आप माइक में डायरेक्टली आप बातचीत करना चाहते हो, वही बातचीत टोटल अपनी स्क्रीन पर भी जाएगा। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर सोर्सेस ऑप्शन में आएंगे और प्लस वाला आइकन में आएंगे और ऑडियो इनपुट हम करेंगे, तो इसलिए ऑडियो इनपुट में हम टच करेंगे फिर से और ओके में क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा, डिफॉल्ट में टच करेंगे और माइक USB कंडेंसर माइक जो भी हमारा PC में लगा हुआ है, अगर आपके पास कोई भी अदर्स माइक लगा हुआ है या तो आपके लैपटॉप का जो माइक है वो भी माइक अगर आपके है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, तो सिंपली वही माइक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और ओके में क्लिक करना है। अभी माइक में भी जो भी बताऊँगा तो वहाँ पर डायरेक्टली PC में एकदम क्लियरली लाइव स्ट्रीम पर एकदम क्लियरली जाएगा, गेम के साउंड तो जाएगा ही, उसके साथ माइक में से भी जो भी हम बातचीत करेंगे वो भी जाएगा, तो ये भी सुविधा होगा। आखिर मान लीजिए आपके पास अगर आप फेस कैम लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, आपके पास जो कि कैमरा है वेब कैमरा है या तो लैपटॉप का जो भी कैमरा है उसको आप ऐड करना चाहते हो OBS स्टूडियो में, फिर से आपको यहाँ पर आपको सोर्सेस ऑप्शन में आ जाना है और प्लस वाला आइकन में टच करके आपको जो वीडियो कैप्चर, मेरे PC में एक जो कि लॉजिटेक का कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर वीडियो कैप्चर ऑप्शन में हम आएंगे और ओके में सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके कैमरा है कैमरा को यहाँ पर लगा लेना। फिलहाल मेरे यहाँ पर लॉजिटेक का कैमरा यहाँ पर लगा तो है लेकिन वो हमारा PC में जो जैक है वहाँ पर नहीं लगाया, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। तो आप चाहे तो इस तरह से रिमूव भी कर सकते हो कोई भी सीन अगर आपने ऑलरेडी ऐड किया हो, तो अगर आप कुछ नहीं चाहते हो तो मैं अभी फेस कैम लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा, फेस कैम मैं ऐसे ही लाइव स्ट्रीम करूँगा, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से आप और भी काफ़ी सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपने कुछ कीवर्ड आपने ऐड कर सकते हो, जैसे मैसेज वगैरह, आप ATM नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट जो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज में जाकर टोटल आप ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, अगर आपके कोई भी ऑलरेडी इमेज है इमेज को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे बैनर हो गया बैनर को भी आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जैसे है वैसे यहाँ पर छोड़ दूंगा और ऐसे ही मैं लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप चाहे तो और भी काफ़ी सारी चीज़, आप चाहे तो अगर आपके पास कैमरा वगैरह फेस कैम है तो ये सब आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। बस फाइनली यहाँ पर टोटली हमारा जो सेटअप है, सेटअप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इतना सिंपल, आप मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी आपको लाइव स्ट्रीम यहाँ से ही आपको स्टार्ट स्ट्रीम बोल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीम। तो यहाँ पर जैसे हमने स्टार्ट स्ट्रीम में टच करेंगे आपको जो लाइव स्ट्रीम है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले आपके यूट्यूब चैनल से जाके आपको एक स्ट्रीम के ही आपको लेके आना पड़ेगा, तभी आप यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो यहाँ से। तो ये एक YouTube का भी रूल से आप मान सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना YouTube चैलेंज जो कि यहाँ पर चला जाता हूँ, तो इसको हम यहाँ पर देखो मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको सबसे पहले,
इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड में आ जाता हो, तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड। तो दोस्तों ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो क्रिएट वॉच का ऑप्शन है, क्रिएट ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर गो लाइव का जो ऑप्शन है, गो लाइव का ऑप्शन में आऊँगा और गो लाइव का ऑप्शन से आपको सिंपल आपको स्ट्रीम के ही आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा। और दोस्तों याद रखिए स्ट्रीम के ही है, जो कि किसी के साथ आपको शेयर मत कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है स्ट्रीम के ही का ऑप्शन, आप चाहे तो यहाँ से सिंपल आप रीसेट भी कर सकते हो स्ट्रीम को, के ही जो है आप जो कि समय समय में आप रीसेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल आपको यहाँ से कॉपी कर लेना होगा, ये जो स्ट्रीम के ये कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आप चाहे तो इसको कट कर दीजिए, चाहे तो आप इसको मिनिमाइज भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं जो अभी यहाँ से जो स्क्रीन मेनिंग है इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो आप पहले से भी आप स्ट्रीम के को कॉपी करके रखिए, तब भी आपको सुविधा होगा। अभी हम सबसे पहले हम OBS स्टूडियो पे जाएंगे। तो ये रहा OBS स्टूडियो। तो OBS स्टूडियो पे आपको आ जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर जो सेटिंग बोल के जो ऑप्शन है OBS स्टूडियो का, सेटिंग ऑप्शन में आपको आ जाना है। सेटिंग ऑप्शन में जैसे आप आते हो यहाँ पर आपको स्ट्रीम बोल का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रीम ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको जो सर्वर है यूट्यूब रखना है और उसके नीचे और एक जो सर्वर है यहाँ पर प्रीमियम, ये भी आपको यहाँ पर ही रखना है। तो यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट रिक्वायरमेंट ये भी दिखाता है। तो मैं यहाँ पर यूज स्ट्रीम के ही, तो स्ट्रीम के ही का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं स्ट्रीम के ही ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर टोटल इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पेस्ट कर दिया दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, टोटली हमने यहाँ पर सर्वर में यूट्यूब रखा हूँ और ये कुछ इस टाइप का सर्वर है। तो देखिए सर्वर में मैंने यूट्यूब रखा हूँ, अगर आप फेसबुक में लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो फेसबुक रखिए, तो मैं यूट्यूब ही रखूँगा। तो और प्राइमरी सर्वर में यहाँ पर सर्वर प्राइमरी में यूट्यूब लेगिन सर्वर, तो इसको ही रखा हूँ और बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर सेट नहीं होता है तो आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर जो स्ट्रीम के ही मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पर हमने दे दिया। अभी इसके बाद ओके में हम क्लिक करेंगे बस गाइस। अभी यहाँ पर सिंपल हम स्टार्ट में क्लिक कर देंगे और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट में क्लिक कर दिया हुआ टोटली हम मोबाइल से हम गेम प्ले करूँगा अभी फिलहाल। तो आप देख सकते हो जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वायर जो कि कॉपियर मेरे को बाद में मेरे को मिल गया था तो मैंने लगा दिया और अभी इस तरह से काफ़ी आराम से मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूँगा और गेम प्ले को खेलूँगा काफ़ी आराम से। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी आराम से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं लाइव प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ तो कि यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कैसे हो रहा है BGMI गेम। तो यहाँ पर देखिए मेरा यूट्यूब चैनल का जो स्टूडियो है, यूट्यूब चैनल के स्टूडियो पर जाता हूँ जबकि मैंने इसको नहीं काट किया था, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर देखो यहाँ पर टोटली लाइव स्ट्रीम हो रहा है और कितना बंदा चैटिंग भी करेगा, ये आपको चैटिंग बुट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये सब सभी चीज़ आपको यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड में आके। तो मैं फिलहाल यहाँ पर जो कि गेम को प्ले करता हूँ, फिलहाल देखो हमारा जो बंदा है कैसा ड्रेस पहना है तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ बोले। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑलरेडी व्यूअर्स है, व्यूअर्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितना लोग वॉच कर ले वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एनालिस स्ट्रीम हेल्थ ये सभी के सभी आपको यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, कुछ सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर गेम प्ले कर रहा हूँ और ये है साउंड जो कि हेडफोन को मैं ईयरफोन को मैं कान पे लगा के मैं जो भी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चल रहा है वो उसको मैं सुन सकता हूँ। दोस्तों आपकी लाइव स्ट्रीम का एक्सपीरियंस और भी अच्छा करने के लिए हमने और भी काफ़ी सारा वीडियो हमने बनाया हूँ, जैसे कि दोस्तों मोबाइल टू पीसी में स्क्रीन मिररिंग कैसे करते हैं, तीन हमने वीडियो बनाया हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसके साथ बैनर कैसे बनाते हैं और OBS स्टूडियो में आके लाइव स्ट्रीम पर कैसे अपने बैनर को ऐड कर सकते हो वो भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी सारा वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से जरूर आप चेकआउट कीजिए। और गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से अपने मोबाइल से गेम प्ले करके अपने पीसी और लैपटॉप से यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और दोस्तों इस चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।